जिसराम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गेम थ्योरी फर्स्ट इसका कुछ डेफिनेशंस देखेंगे एंड नेक्स्ट इनमें जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको उसको भी डिस्कस करेंगे सो so, फर्स्ट इसके जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट आपका प्लेयर प्लेयर आपको पता होगा गेम थ्योरी में एक गेम को कैसे हम सॉल्व करेंगे गेम का जो कि गेम वैल्यू सडल पॉइंट ये सब क्या है मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट आपको प्लेयर क्या ये ऑलरेडी पता होगा सो so, मैं इसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ ए कम्पिटिटर इन द गेम इज नॉन एज प्लेयर गेम का जो भी कंपिटिटर होते हैं उनको बोला जाता है प्लेयर स्ट्रैटेजी जो कि ये सभी जो डेफिनेशन है ये आपको गेम थ्योरी के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा सो so, फर्स्ट इसको समझना है ये क्या है स्ट्रैटेजी प्लेयर तो आपको ऑलरेडी पता है नेक्स्ट आपका स्ट्रैटेजी है स्ट्रेटेजी क्या है ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू प्लेयर बेस्ड ऑन एडवांस नॉलेज इज नोन एज स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी क्या है जो कि आपका प्लान बोला जाता है रूल खुद सा जो कि कंपिटेटर का एक आपका प्लान होता है ये स्ट्रेटेजी होता है उसके बाद स्ट्रेटेजी को दो में डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट आपका प्योर स्ट्रेटेजी नेक्स्ट आपका मिक्स्ड स्ट्रेटेजी ये क्या है

बट ये कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे स्ट्रेटजी को ये यूज करता है सो so इसको बोला जाता है मिक्स्ड स्ट्रेटजी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ये क्या है ए कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच पुट द प्लेयर इन द मोस्ट प्रेफर्ड पोजिशन। अगर कोई भी स्ट्रेटजी एक प्लेयर जो कि आपका चूज करे ये तो सिलेक्ट करने पर ये प्योर स्ट्रेटजी है अगर ए कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच पुट द प्लेयर इन द मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन बहुत सारे केस पर ये एक ही जो की आपका स्ट्रेटेजी है उसको बार बार यूज करे मोस्ट प्रिफर्ड पोजिशंस सो उसको बोला जाता है ऑप्टीम स्ट्रेटेजी नेक्स्ट आपका टू परसेंट जीरो गेम आपका अगर कोई भी गेम है उनमें कंपिटिटर जो होते हैं वो दो होते हैं टू जीरो सम गेम में कम्पिटिटर कितने होते हैं दो मतलब प्लेयर नंबर ऑफ प्लेयर ये टू होते हैं आर इन्वॉल्व इन द गेम एंड इफ द गेन मेड बाय वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द अदर अगर उसी गेम में एक प्लेयर का जो कि गेन है वो इक्वल होता है एन प्लेयर का लॉस के हिसाब से सो इसको बोला जाता है टू परसेंट जीरो सम गेम नेक्स्ट आपका है फेयर गेम कोई भी जो आपका गेम थ्योरी में फेयर गेम कब बोला जाएगा अगर वैल्यू ऑफ गेम अगर गेम का जो वैल्यू होता है वो जीरो आए तब उसी गेम को उसी गेम को बोला जाता है फेयर गेम नेक्स्ट हम ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ टू परसेंट जीरो सम गेम को गेम का फाइंड करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन टू परसेंट जीरो सम गेम का आज हम फाइंड करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन देयर आर टू मेथड्स आर ऑप्टेनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ टू परसेंट जीरो सम गेम ये टू परसेंट जीरो सम गेम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाउंड होता है वो दो मेथड में फाउंड होता है सो so, उन, उन दोनों मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट मेथड को आज हम फर्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आपका जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट जो मेथड है उसके ऊपर आएगा सो देखिए सो ये है दोनों मेथड फाइंड प्योर स्ट्रेटेजी और फाइंडिंग प्योर स्ट्रेटेजी और विथ सडल पॉइंट फाइंडिंग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी और विदाउट सडल पॉइंट ये दोनों मेथड है विथ सडल पॉइंट ये एक मेथड है विदाउट सडल पॉइंट ये अन मेथड है सो फर्स्ट आज हम देखेंगे विथ सडल पॉइंट ये क्या होता है एंड इसके हेल्प से कैसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जीरो सम गेम का टू परसेंट जीरो सम गेम का कैसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं सो सॉल्यूशन ऑफ द गेम थ्योरी हैविंग सैडल पॉइंट सैडल पॉइंट का मतलब क्या है ये प्योर स्ट्रेटजी है नेक्स्ट इफ द मैक्स मैक्स मीन वैल्यू इक्वल टू मीन मैक्स वैल्यू देन द गेम इज सेट टू बी सैडल पॉइंट एंड करस्पोंडिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्ट्रेटजी

आपको क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सो so, आपको इसको अच्छी तरह से समझना है सो so, फर्स्ट आपको इनमें क्या फाइन करने के लिए दे रखा है सडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ द गेम इसी गेम का वैल्यू एंड आपको सडल पॉइंट फाइन करना है ये आपका गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स है प्लेयर ए का ए वन ए टू थ्री फाइव टू फोर सिक्स फाइव ये प्लेयर बी का है बी वन बी ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है इसको यूज करके आपको फाइंड करना है सडल पॉइंट एंड नेक्स्ट आपका वैल्यू ऑफ द गेम सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं

सेकेंड कलम में मैक्सिमम वैल्यू सिक्स है थर्ड कलम में मैक्सिमम वैल्यू फाइव है एन अगेन जो एलंग रो रो एलंग आपको क्या फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है सो आर मिन मैन हमने लिख दिया है नेक्स्ट आपको सबसे मिनिमम फाइंड करना है थ्री फाइव टू में से सबसे मिनिमम कौन है टू है सो so, हमने टू लिख दिया नेक्स्ट आपका सेकेंड रो में फोर सिक्स फाइव में से कौन मिनिमम है फोर है सो so, हमने फोर लिख दिया नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है मैक्स मीन सो इसको कैसे फाइंड करते हैं मैक्स मीन मैक्स मीन का मतलब है मैक्स आर मिनिमम क्या है max, r minimum. So first आपको r minimum लिखना है r minimum कौन है कौन टू एंड फोर में से फोर है सो so हमने फोर लिख दिया हमने जिस टाइप से मैक्स मिन फाइंड किया उसी टाइप से हम फाइंड क्या करेंगे मैक्स अगेन मैक्स मिनिमम ऑफ सी मैक्स हमारा सी मैक्स क्या था फोर सिक्स फाइव सो हमने डाल दिया फोर सिक्स फाइव मिनिमम फोर सिक्स फाइव सो इनमेंगे सबसे मिनिमम कौन है फोर है सो so, हमने फोर लिख दिया इनमें हमने देखा कि जो कि मैक्स मीन वैल्यू है आपका फोर आया था मीन मैक्स वैल्यू भी फोर आया सो so, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सो so, ये जो गेम का वैल्यू क्या हो जाएगा वो फोर आ जाएगा क्योंकि इनमें मैक्स मीन

आप देख सकते हैं ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए प्लेयर ए का ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या है प्लेयर ए ये है ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी मतलब क्या है इनमें इनमें आपका रो है एलंग है सो फोर कहाँ आ रहा है ए टू में सो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ए टू क्या आ जाएगा ए टू फिर से प्लेयर बी के लिए प्लेयर बी के लिए अगर हम देखेंगे सो एलेंग कॉलम

आपका ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी वैल्यू गेम का वैल्यू सो so इसको मैंने कम्प्लीटली बता दिया है नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो जो आपका विदाउट सर्डल पॉइंट से कैसे हम फाइंड करते हैं गेम का वैल्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन इस टाइप से कैसे फाइंड किया जाता है सो so इसी का एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से समझना है अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए देन मुझे कमेंट कर सकते हो सो थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू